फ्लैट देखने हैं। हबे तेरी औकात भी है इस फ्लैट को खरीदने की? तुझे पता भी है कितने महंगे फ्लैट है ये? हाँ अरे मैडम, मेरे होलिये से क्या लेने देना, मुझे फ्लैट दिखाइए, मैं फ्लैट देखने आया हूँ। देख मेरा ना यहाँ पे दिमाग मत खराब कर। सर बस ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। आपको कैसा लगा सर फ्लैट? हाँ अच्छे हैं। हाँ सर, अभी जब ये पूरे रेडी हो जाएंगे ना तब आप देखना, और भी अच्छे लगेंगे। ठीक है सर, आप एक बार फिर से फ्लैट चेकआउट कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। अबे ओ बुड्ढे, भिखारी कहीं के कहाँ घुसा चला रहा है अंदर, और तुझे आने किसने दिया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! मैडम आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं फ्लैट देखने आया हूँ। अच्छा फ्लैट देखने है, हबे तेरी औकात भी है इस फ्लैट को खरीदने की? तुझे पता भी है कितने महंगे फ्लैट है ये? हाँ अरे मैडम, मेरे होलिये से क्या लेने देना, मुझे फ्लैट दिखाइए, मैं फ्लैट देखने आया हूँ। देख मेरा ना यहाँ पे दिमाग मत खराब कर, मैं यहाँ पे काम करने के लिए हूँ, तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं। इससे पहले मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं, निकल यहाँ से। देख मैडम आप बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं, तुम्हारा बॉस आएगा उससे बात करूंगा मैं। तू मेरे मालिक से बात करेगा? वो इतने फालतू नहीं है, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं कि तुझसे बात करेंगे, समझा? निकल ले यहाँ से। मैम मैंने फ्लैट्स देख लिए और मुझे फ्लैट्स बहुत पसंद है, तो मैं शाम तक 15 लाख एडवांस करा देता हूँ, आप मेरी बुकिंग करा दीजिए। ठीक है सर, आपकी बुकिंग हो जाएगी, डोंट वरी। सुना तूने, 15 लाख रुपए सिर्फ एडवांस बुकिंग के, 3 करोड़ रुपए का फ्लैट है ये। अपनी जिंदगी में एक साथ कभी 15 लाख भी नहीं देखे होंगे तूने, 3 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, निकल अब यहाँ से। ठीक है मैडम, मैंने सब सुन लिया, आने दो तुम्हारे बॉस को और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुम कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करती हो, आने दो उसे। अबे तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे लग रहा है तुझे ना यहाँ से धक्के मार के निकालना ही पड़ेगा, निकल निकल। अरे अरे सर आप यहाँ? पापा आप यहाँ? मुझे बता देते मेरे साथ आ जाते। बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता जाऊँ और देखता जाऊँ कि तुम्हारे फ्लैट कैसे बन रहे हैं। पापा? हाँ ऐश्वर्या, ये मेरे पापा हैं, तुम्हारी ये तमीज़ है इनके साथ तुम ऐसे बिहेव करोगी, और मैंने तुम्हें इसलिए रखा है यहाँ कि कोई भी आए तो उनसे बदतमीजी से बात करो। तुम इन्हें कपड़ों से जज कर रही हो कि ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने हैं, और ये छोड़ो कोई और भी होता तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करती? क्लाइंट्स हमारे लिए भगवान है, चाहे वो कोई भी हो, हमारा काम उन्हें दिखाना। दिन में 100 लोग आएंगे और 100 तरीके के आएंगे, तुम हर एक को दिखाओगी। सर ऐसी कोई बात नहीं है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं आपको समझाती हूँ। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम्हें? ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनके पास पैसे नहीं होंगे, ये तुम कोई नहीं होती जज करने वाली, तुम्हारा काम सिर्फ दिखाना है। सर आप बोलिए ना इनको कि जैसा ही समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप आइए ना सर, मैं आपको फ्लैट्स दिखाती हूँ। रहने दीजिए मैडम, अब इस नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे विशाल ने सब कुछ देख लिया, अब यही देखेंगे क्या करना है तुम्हारे साथ क्या नहीं करना है। मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा। अच्छा तुम्हें पता चल गया है कि वो मेरे पापा हैं, तुम अब इन्हें रिस्पेक्ट दे रही हो, अब तुम इन्हें फ्लैट्स दिखाओगी, और मेरे आने से पहले इन्हें धक्का मारा जा रहा था, और वैसे भी जिसको बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती ना उसका मेरे ऑफिस में कोई काम नहीं है। तुम्हारी सारी की सारी एजुकेशन यहाँ पे जीरो हो गई है। नाउ ऐश्वर्या गेट आउट। नहीं सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, आपको तो पता है ना मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, आप बोलिए ना सर को मुझे नौकरी से ना निकाले। नहीं मैडम, जैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है ना, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे के कंपनी में कोई ऐसी लड़की काम करे। ऐश्वर्या मुझे भी अपने ऑफिस में एक अच्छी लड़की की जरूरत है, जिसको कि पता हो कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, क्लाइंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। नाउ गेट आउट। सर गो अवे। पापा आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर पे हम 3 BHK बना रहे हैं,